and welcome in this video. Today we are going to learn adjectives. हमने पहले के क्लासेस में भी adjectives पढ़े हैं. Adjectives का मतलब क्या होता है? Adjectives का मतलब होता है describing words. ऐसे words जो noun को describe करते हैं, noun के बारे में कुछ बताते हैं, they are called adjectives. हमने कई types of adjectives भी पढ़े हैं, वो हम एक बार revise कर लेते हैं. Quality. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्वालिटी, देन आफ्टर क्वांटिटी, नंबर्स, पजेसिव एडजेक्टिव और आज के लिए जो न्यू है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. क्वालिटी एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्वालिटी में जो चीज़ें गुड, बैड, ऑनेस्ट, ये क्या है? किसी चीज़ की या किसी पर्सन की क्वालिटी होती है, तो वो हम उसमें काउंट करते हैं. लाइक गुड, बैड, ऑनेस्ट जो मैंने बताया वो हम क्वालिटी एडजेक्टिव में काउंट करते हैं. नाउ क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या आता है? फॉर एग्जांपल सम, फ्यू, एनफ, ये सब क्वांटिटी में आता है और ये सारे एडजेक्टिव्स क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव्स होते हैं. देन नंबर्स लाइक 1, 2, 3, जैसे कि हम काउंट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी थिंग को या किसी पर्सन को, तो हम उसको नंबर वाले एडजेक्टिव में काउंट करते हैं. देन आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जिसके अंदर पजेशन वाली फीलिंग होती है, लाइक माय कार, ओके, योर पेन, ये सब क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव्स है. मतलब माय एंड योर, नॉट माय कार एंड माय पेन, क्योंकि माय कार का जो कार जो है वो नाउन है और माय एडजेक्टिव है वो कार के बारे में बता रहा है कि द कार इज माइन, इसलिए वहां पर ये पजेसिव एडजेक्टिव हो रहा है. नाउ आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है वो मैंने आप लोगों को पहले बताया है. प्रोनाउन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को दिखाकर बताना. ओके, तो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन में भी होते हैं और यही सारे वर्ड्स एडजेक्टिव में भी हैं. मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी दिस होता है, दैट होता है, दीज और दोज होता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं. ओके, बट उसको हम इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अंदर वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है या फिर वो प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दिस और दीज, ये नियर जो चीज़ें होती है, हमारे पास जो चीज़ें होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. That and those जो हमारे लिए, हमारे से दूर होती है, कोई चीज़ जो हमसे दूर होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे this is a pen, ये pen मेरे नज़दीक है, और उसके बाद फिर मैं बोलूँगी these are books, जो मेरे पास books रखी हैं. फिर अगर मैं दूर के लिए कुछ बोलूँ that is a car या those are cars, नज़दीक के लिए और दूर के लिए, तो this और that, these and those का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है. This and that singular है, these and those plural है. this का plural हो जाता है these, that का plural हो जाता है those. अब हम देखेंगे कि इन्हें हम as an adjective किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. for example this is a cat, तो यहाँ पर this is a cat है, मतलब this के बाद यहाँ verb या auxiliary verb या helping verb आ रहा है. इसका मतलब है कि ये this जो है ये pronoun है. But this cat is cute, तो this के तुरंत बाद क्या आया? this के तुरंत बाद noun है, तब यहाँ पर ये जो this है ये adjective बन जाता है. जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मली जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन के हमेशा पहले ही यूज़ होते हैं. तो दिस कैट एडजेक्टिव जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है दिस, और कैट जो है वो नाउन है. तो जब भी दिस किसी भी नाउन के साथ में, नाउन के जस्ट पहले आ रहा है, तो वो एडजेक्टिव माना जाता है. और दीज भी इसी तरह, यहाँ पर आप देखिए कि दीज कैट्स, दीज कैट्स में भी दीज जो है वो कैट्स के जस्ट पहले आ रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव होगा. बट यहाँ पर दिस जो है वो नाउन के तुरंत पहले नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन होगा. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू.
और आगे समझते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. दिस इज सो दैट इज अ बॉय. दैट इज अ बॉय यहां पर है, ये वाला मैंने लिया, मतलब फार दूर में है लड़का. दैट और बॉय में बहुत दूरी है. देखिए बॉय यहां पर आ रहा है और दैट यहां पर आ रहा है, बट यहां पर दैट बॉय जो लिखा है यहां पर बॉय के जस्ट पहले दैट है, मतलब बॉय नाउन है और दैट एडजेक्टिव है. यहां पर दैट प्रोनाउन है बट यहां पर दैट एडजेक्टिव है. अगेन दोज बॉयज, मतलब यहां पर नाउन है, यहां पर भी नाउन है और इसके जस्ट पहले जो आ रहा है ये एडजेक्टिव है. दैट दोज दिस दीज, ये चारों जगह पर जो एडजेक्टिव आ रहे हैं नाउन के साथ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ रहे हैं नाउन के साथ. ओके तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका होगा. अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और एक एक्टिविटी कीजिएगा कि कोई भी टेक्स्ट बुक, कोई भी बुक आपको मिलती है बच्चों की या बड़ों की, कोई भी बुक इस तरह से देखिए कि कहाँ पर नाउन के जस्ट पहले दिस दैट दीज एंड दोज आ रहा है और उसको अंडरलाइन कीजिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ एडजेक्टिव है, मतलब दैट दोज दिस एंड दीज आर एडजेक्टिव्स. और ये चीज़ भी देखिए कि ये किस तरह से लिखा हुआ है, मतलब दिस इज अ बॉय. अगर नाउन और दैट या दिस ये सब दूर दूर पर हैं तब उस समय ये प्रोनाउन है. तो ये चीज़ मार्क कीजिए, ध्यान दीजिएगा बुक जब पढ़ते हैं उस समय में, जिसके कारण आपको समझना और ज़्यादा भी इजी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा कि मैंने इस तरह से ये चीज़ वीडियो में देखी थी तो ये चीज़ अब मैं पढ़ रहा हूँ और अब मैं समझ पा रहा हूँ. ठीक है, तो हर चीज़ को समझने और पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो आप उसको भूल जाओगे. जब वो आपके प्रैक्टिस में नहीं रहेगी तो भूल जाओगे. सो बार बार उसको रिपीट कीजिए. जो चीज़ मैंने बताई है कि बुक में रीड करके उसको अंडरलाइन कीजिएगा, दैट इज द एक्टिविटी विच यू हैव टू डू आफ्टर सीइंग द वीडियो. तो ये सब टाइप्स थे एडजेक्टिव के, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर्स, पजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. तो ये जो भी मैंने पहले के वीडियो में भी पढ़ाया है और अभी भी पढ़ाया है, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिएगा जिसके कारण आप आगे बढ़ सकते हैं. और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आपको जो भी पढ़ा हुआ है वो लर्न नहीं रह सकता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.